हर वर्ष देवी देवता वर्ष भर होने वाली घटनाओं की जानकारी गुर के माध्यम देव भारता में देते हैं। इस वर्ष भी भुंतर के साथ लगते शुरट गांव में माता भद्रकाली ने 3 महीने बाद अपने रथ में विराजमान होकर हरियाणों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। माता ने गुर के माध्यम देव भारता की और कहा कि वर्ष 2021 पूरे विश्व के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही कहा कि इस वर्ष विवाह मुंडन संस्कार व अन्य शुभ कार्य ज्यादा होंगे। लोगों को बीमारियों से ग्रस्त ज्यादा रहने की आशंका जताई है। समय समय पर बारिश भी होगी, साथ ही फसलों की पैदावार भी बहुत अच्छी होगी। आज माता रानी का रथ 3 महीनों के बाद मंदिर में निकला। माता रानी ने देव भारथा की, जैसा कि पिछली वर्ष भी माता रानी ने देव भारथा की थी और पूरे वर्ष का वृतांत सुनाया था। जैसा कि उस समय कोरोना महामारी का दौर चला था, सब लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे, उस समय भी माता रानी ने ये भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि इस महामारी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हमारी शरण में रहेगा, जो हमारी देवी देवताओं का ध्यान करेगा, उनका कोई भी बाल बांका नहीं होगा। और वैसा ही हुआ। जितने भी भगवती के जितने भी हरियाणा हैं, जितने भी भगत हैं, किसी को भी इस कोरोना महामारी की कोई भी इस चपेट में नहीं आया और सभी खुशहाल रहे, ठीक ठाक रहे, समृद्ध रहे। उसी प्रकार इस वर्ष भी माता रानी ने देव भारथा की पूरे वर्ष भर का वृतांत सुनाया। इस वर्ष क्या क्या होने वाला है उन घटनाओं के बारे में बताया। कहीं कहीं पर बारिश भी होगी, अच्छी होगी, कहीं सूखा भी पड़ेगा। जब जब देवी देवताओं से लोग प्रार्थना करेंगे तो बारिश होगी। और सबसे बड़ी बात, माता रानी ने ये कहा कि जो भी देवी देवताओं की शरण में रहेंगे तो उनको सुख समृद्धि होगी और उनका भला होगा और उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से सुशांत शर्मा की रिपोर्ट।